अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपको मैं विज़िट करवाऊंगा ब्रांड न्यू 13 मरला हाउस है, 13 मरला हाउस है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। कॉर्नर हाउस है, 13 मरला हाउस है व्यूवर्स। जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो ऑलमोस्ट 10 मरला है और 3 मरला जो एक्स्ट्रा लैंड है वो कवर्ड है, तो टोटली ये घर हो गया 13 मरला का जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। लोकेशन है बहरिया टाउन, फेजेट, रावलपिंडी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि डिटेल्स, डिमांड, लोकेशन, ब्लॉक, हर चीज़ आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूंगा। सो आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है। और इसके अलावा अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे, आपने अपना हाउस प्लान कैसा डिसाइड करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और व्यूअर्स, इसके अलावा जो इस चैनल पर न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब चलते हैं व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का एलिवेशन है। आपको मैंने बताया कॉर्नर हाउस है, कैटेगरी हाउस है और घर के अंदर जो है कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है वो 10 मरला है, ठीक है। 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड है जो कि बाउंड्री वॉल में कवर्ड की गई है, कॉर्नर है डबल गेट के साथ, और बाहर भी आप देख सकते हैं कि लॉन बना हुआ है। ये कवर्ड नहीं है, ये घर के आउटर बाउंड्री है, लेकिन घर का ये फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं डबल गेट के साथ है, डबल कारपोर्च के साथ है। आप घर में मूव करते हैं व्यूअर्स, ये इसका गेट का डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये कार रैंप है और इस तरफ है इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3-phase मीटर। और अब हम आ चुके हैं घर के अंदर। ये है व्यूअर्स इसका कारपोर्च, काफ़ी स्पेशियस कारपोर्च है और यहाँ पे आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क की जा सकती हैं। और इस कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो छोटा सा यहाँ पर लॉन भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं पानी का टैंक और मोटर इंस्टॉल्ड है। और आप प्रॉपरली तसल्ली से कारपोर्च को व्यू कर लें। ग्राउंड पर मार्बल वर्क किया गया है और ये ऊपर वुड वर्क किया गया है सीलिंग डिज़ाइन में। एंट्रेंस सामने आप देख सकते हैं, 7 वेंटिलेशन विंडो है। और एक मरतबा फिर से प्रॉपरली देख लें व्यूअर्स, अब मूव करते हैं घर के अंदर। ये आप स्टेप्स व्यू कर लें, ब्लैक ग्रेनाइट। ये मेन एंट्रेंस है, डोर है, वुडवर्क बहुत अच्छा किया गया है। और ये अब हम एंटर हो चुके हैं घर के अंदर। हमारे राइट साइड पे भी एक रूम बनाया गया है, आप उसको ड्राइंग रूम के सजे कर सकते हैं। इस तरफ भी एक छोटा सा हॉल बनाया गया है, टीवी लाउंज भी सामने है। पहले मूव करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम आ गया जी, सिंपल वाइट कलर का पेंट है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए डबल विंडोज़ हैं और ये इसका सिंपल सीलिंग का डिज़ाइन है। एंड इस तरफ हमारे पास है अटैच इसका वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। शॉवर एरिया बिल्कुल सेपरेट है, ग्लास लगाया गया है और सीलिंग तक अटैच की गई है, जो टाइल वर्क है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो भी दी गई है और एग्जॉस्ट फैन भी है। एंड इस तरफ है वार्डरोब्स, इसको आप एज ए बेडरूम भी कंसिडर कर लें या आप इसको एज ए ड्राइंग रूम कंसिडर कर लें, इस सब से यू। और जो ही हम एग्ज़िट करते हैं हमारे सामने एक ये लिविंग एरिया भी आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपकी माशाल्लाह से अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, सिंपल वाइट पेंट है और डिज़ाइनिंग की गई है, इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ग्राउंड पे फैंसी टाइल वर्क है। और अब हम आ चुके हैं फर्स्ट टीवी लाउंज में, स्पेशियस टीवी लाउंज है। किचन क्लोज्ड है, कॉर्नर हाउस है, डबल गेट के साथ है, तो आपको मैं हर चीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट मूव करते हैं हम किचन की तरफ। जी तो हम आ चुके हैं फर्स्ट किचन में, स्पेशियस किचन है, वाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन और हुड भी इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं फिटिंग्स प्रॉपरली की गई हैं। ये आप कैबिनेट्स व्यू कर लें और साइड पे जो गली थी वहाँ का एक्सेस है, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली दूसरे गेट से दिखा दूँगा। और अब आप किचन के एंगल से व्यू कर लें, या प्रॉपरली टीवी लाउंज को व्यू कर लें किचन के एंगल से। और अब है सामने बेडरूम, ये है जिसका मास्टर साइज बेडरूम है। दीवार पे फैंसी वॉलपेपर, सिंपल वाइट कलर का पेंट, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, सीलिंग डिज़ाइन। एंड इस तरफ है हमारे पास वार्डरोब्स, ये आप व्यू कर लें। एंड ये इसका जी अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड पे टाइल वर्क है, दीवार पे प्रॉपर टाइल वर्क किया गया है, सीलिंग तक अटैच किया गया है। शॉवर एरिया बिल्कुल सेपरेट है और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन, ये आप प्रॉपरली व्यू कर लें।
और अब इस बेडरूम के एंगल से मैं आपको टीवी लाउंज को एक व्यू दिखा देता हूँ। एक्चुअली व्यूअर्स, हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको हाउस प्लान के बारे में मुकम्मल तफसीलात ठीक से समझ में आ जाए। ग्राउंड पोर्शन में हमने टीवी लाउंज को विज़िट कर लिया, ड्राइंग रूम का विज़िट कर लिया, साथ एक बेडरूम जो एंट्रेंस के साथ था और दूसरा बेडरूम भी अभी हमने विज़िट कर लिया, किचन भी हमने देख लिया है। और आपको हमने बताया कि कॉर्नर हाउस है तो जो सेकेंड एंट्रेंस है वो इस तरफ से है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इसको रेंट आउट करना है तो आप ये गेट बंद कर दें, एक फैमिली इस तरफ से एक्सेस लेगी, एक दूसरी तरफ से एक्सेस लेगी। ये है जी पाउडर वॉशरूम, एंड ये मैं आपको दूसरा गेट दिखा देता हूँ साइड से। ये जी सेकंड कार पोर्च आ गया आपका, ठीक है, एक गाड़ी आपकी इसलिए यहाँ पार्क हो जाएगी। टोटल घर में 3 से 4 गाड़ियाँ इसलिए पार्क की जा सकती हैं, सेकंड कार पोर्च है ये। और उस तरफ हमने एक प्रॉपर एक कार पोर्च देख चुके हैं, ये गली है उस तरफ जाती है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं किचन की एक्सेस, और यही गली हमारे हमें दोबारा से उस लॉन की तरफ ले जाएगी। जी हम दोबारा से साइड पे आ चुके हैं, हम ये एरिया विज़िट कर चुके हैं, अब चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ एंड हम अब अपर पोर्शन का विज़िट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेफ्टी ग्रिल्स लगाई गई हैं, और चलते हैं अब अपर पोर्शन का विज़िट कर लेते हैं। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं इनकी एक्सेस छत की तरफ। अगर आप कोई घर में सर्वेंट रखते हैं तो उसकी एंट्रेंस यहाँ से होगी और वो इन्हीं स्पायरल स्टेज के थ्रू छत पे चला जाएगा, आपके घर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब चलते हैं हम अपर पोर्शन की तरफ, अपर पोर्शन की एक्सेस यहाँ से है, अपर पोर्शन का हम विज़िट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, इन स्टेज के थ्रू भी हम ऊपर आए हैं और ये इस तरफ है एंट्रेंस सेकेंड पोर्शन की, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं ये एक्सेस छत की तरफ, और इस तरफ है ये हमारे पास टेरिस। व्यूअर्स डबल टेरिस है, डबल कार पोर्च के साथ है, ओके। और अब चलते हैं हम सेकेंड पोर्शन का विज़िट कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं सेकेंड टीवी लाउंज में। एज़ यू कैन सी कि दिस इज़ आल्सो द स्पेशियस टीवी लाउंज, और आपकी माशाल्लाह बड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है सीलिंग फ़ैन के साथ, और सामने जो एक्सेस आप देख रहे हो बिल्कुल टेरेस की तरफ है, और आप प्रॉपर एक एंगल से टीवी लाउंज का व्यू कर लें। व्यूअर्स, ये घर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है, और बहरिया टाउन फेजी रावलपिंडी लोकेशन है, ब्लॉक है ओवरसीज़ ब्लॉक, मोस्ट प्राइम ब्लॉक है, प्राइम लोकेशन का ब्लॉक है, बहुत अच्छी लोकेशन है इस ब्लॉक की, और घर की भी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो भी आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी है, और प्रॉपर फिटिंग्स के साथ किचन को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, और किचन के एंगल से आप व्यू कर लें टीवी लाउंज को। मूव करते हैं हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये जय प्रपोर्शन का फर्स्ट बेडरूम, मास्टर साइज बेडरूम है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, और सिंपल वाइट कलर का पेंट, सीलिंग फैन, सीलिंग डिज़ाइन, और यह है टाइल वर्क विद ब्लैक स्कॉटिंग। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये है हमारे पास वॉशरूम, वॉशरूम भी स्पेशियस वॉशरूम है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो भी दी गई है, एग्जॉस्ट फैन भी है, और ये इस तरफ है वार्डरोब्स, आप देख सकते हैं ऊपर तक अटैच ही हुई हैं। अपर पोर्शन का एक बेडरूम हमने विज़िट कर लिया, और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस बेडरूम के एंगल से भी आप देख चुके हैं टीवी लाउंज को, और अब हमारे पास यहाँ पे है सेकंड बेडरूम, अपर पोर्शन का सेकंड बेडरूम। ये आप देख सकते हैं ये भी स्पेशियस बेडरूम है, और मास्टर साइज कंसीडर कर सकते हैं आप इसको भी। इसमें भी एज इट इज़ सिंपल वाइट कलर का पेंट है, सीलिंग फैन, सीलिंग डिज़ाइन, और वेंटिलेशन विंडो, एसी की वायरिंग की गई है। और इस एंड पे हमारे पास इसका वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं शॉवर एरिया इसमें भी सेपरेट रखा गया है, और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए एग्जॉस्ट फैन एंड वेंटिलेशन विंडो, और जो वार्डरोब्स हैं वो भी वॉशरूम के अंदर फिक्स की गई हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम जो इस बेडरूम को एग्जिट करेंगे, आप इस बेडरूम के एंगल से भी टीवी लाउंज को व्यू कर लें। और बिल्कुल हमारे ऑपोजिट साइड पे है थर्ड बेडरूम, अपर पोर्शन के आ गए थर्ड बेडरूम, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडोज़, डबल विंडोज़, वाइट कलर का पेंट, सीलिंग डिज़ाइन, सीलिंग फैन के साथ, और ये है जी इसका वॉशरूम, ये इसकी वार्डरोब्स आप देख लें, एंड शॉवर एरिया बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं विंडो भी दी गई है और एग्जॉस्ट फैन भी है। और अब रिमेनिंग हमारे पास रह गया है टेरेस, डबल टेरेस है, एक टेरेस हमने विज़िट कर लिया, ये इसका टेरेस आप देख सकते हैं। टेरेस में भी मार्बल वर्क किया गया है, और यहाँ भी फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है, और आप देख सकते हैं सामने घर बने हुए हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया लेकिन लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। मैं आपको छत से भी इसका व्यू दिखा देता हूँ, यह आप इस एंगल से भी टीवी लाउंज को व्यू कर लें। और
अब हम मूव करते हैं छत की तरफ। छत पे सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। छत का हम विजिट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज है छत की। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं छत पे। ग्राउंड पे चिप्स वर्क किया गया है, चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये पानी की टंकी है। और छत भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही होगी। और ये जिसका सर्वेंट क्वार्टर, चिप्स वर्क, वाइट कलर की का पेंट, सीलिंग फैन, वेंटिलेशन विंडोज़, एंड इसका वॉशरूम दूसरी साइड पे है। ये जी इसका वॉशरूम। और अब चलते हैं ग्राउंड पोर्शन में, आपके साथ मैं इस घर की बाकी की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपके साथ मैं इस घर की डिटेल्स एक मतलब फिर से शेयर कर देता हूँ। हमने कम्प्लीटली इस घर का विजिट कर लिया। ब्रांड न्यू हाउस है, 13 मरला हाउस है, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। कॉर्नर हाउस है डबल गेट के साथ विद डबल कार पोच एंड डबल टेरिस। और इसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो ऑलमोस्ट 10 मरला है, 3 मरला इसका एक्स्ट्रा लैंड है, और जो आउटर बाउंड्री पे एक्स्ट्रा लैंड है वो भी आप इसको एज अ लॉन कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें डबल गेट है, डबल कार पोच है, डबल यूनिट हाउस है, 5 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, पाउडर वॉशरूम भी अवेलेबल है। और व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख इस घर की डिमांड है, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है। और बहरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी ओवरसीज ब्लॉक है। आप में से जिस किसी को भी घर पसंद आया है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कारण लाइक कर दें, और जो इस चैनल पर न्यू है वो कारण चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।